कोले हाँ अरे देख कैसे पकड़ने मेरे साले की गुद्दी पकड़ मैं इट मारूंगा मेरे साले के सूर के बच्चे कोले हाँ अरे मैं तो बूढ़ा आदमी लपट जा मेरे साले की टांगा में पड़ जा रुक जा पकड़ी ना बाज मेरी सांस सूखे करे तई बात जगा तू फिर मारूंगा मेरे साले के आए वो तेरा सुसरा सरपंच बनता गया वो काम खतर के मैं करेगा कि नहीं सुसरा ना बना सरपंच सरपंच मैं बनी हूं तू बनी है फिर वो क्या नाम की वोट मांगता अंडे था फिर वोट के और मैं मांगूंगी वो ये मांगेगा ए फिर काम खतर के मैं सोची सह कि नहीं बता के काम करवाना है देख बेबे एक तो मेरी दुकान आ गए टैल बिछवा दो अच्छा एक मेरी दुकान के सारे कति सारे खंबे दो वाटर कूलर लगवा दो गर्मी आन लाग रही से और ए पहले ये तो करवा दे और की फिर बता दूंगी कि माँ होगा जब मैं तो करवाऊंगी कोई स्कीम तो आलन दे अच्छा एकदम ग्रांटा की बात देखो सो और जब इलेक्शन होने से पहले जो तुमने 5-5 लाख की दारू पियाई से वार न्यू सोचो थे 50 लाख बनकर आ जाएंगे सारा बेरा है मने जय किते गड़बड़ घोटाला कर दिया तन्ने तेरे सुसरे ने तो जेल में ठुकवा दूंगी तू इतने नखरे जाड़े तन्ने के वोट गेरी थी मन्ने ये मन अपनी अपनी नहीं मनता दे गांव की वोट गिरवा रखी से जो भी मेरी दुकान पावे था ना मन अपनी दुकान नू लुटवा दी अकमा खाओ वाह सरपंच बननी चाहिए ठीक है कोई ग्रांट आवगी तक करा दूंगी तेरा काम कामराम चलो ये सरपंच बना मारना चाहे साले के गट्टे पे आए यो की था या थारी सरपंची बाजी बाजी अंडे है अरे साले ए बचाले भाई ए कसाईया के फसगा ए मेरी जान बचाले अरे के आग लागी उन सास मेरी सास सुगा अरे साले अपना छोड़ दे इस सरपंच के पिलो दे के आग लागी ए मनो मारना चाहवा मनो बचाले आ कुछ ना से हां बचाले साले मैं तेरे सर ना पाड़ूंगा बताऊं तने तू बड़ा गुंडा पाग गया गेरी ने तेरा ससुरा काले मुंह वाला क्यों पाछे पड़ रहा है इसका शर्म नहीं आती तने अरे साले तू भाई मेरी बात सुन आ बोल बोलू के तू न्यू बता यो छुटिया गांव में कागड़ सरपंच ने सरपंच नहीं मानता अरे न्यू बता तू यो गाल की सफाई करे से हैं अरे सरपंच साहब गाला की तो मेरे ताई भोजन भी कह थी देखियो मारे बार ने आगे कितना कूड़ा से यो आराम खोर सफाई नहीं करता कर लो भाई यो हराम खोरी पा गया फिर तनखा खास है एक काम कर भाई वो जागे का छोरा नहीं से शरीफ बालक मेहनती बालक नरम परिवार से एक ही जगह उ छोरे ने लगा दिया चखा चक रहेंगी या 16 अन्य बात कति सही से एक ही मरोड़ लिखड़ जाएगी हाँ। तो बालक न रोजगार मिल जाएगा सही बात से बढ़िया बात कही तल्या इस पे सहन गुट्टा ठीक है ले ला रुक जा भाई एक बार दंबल दो दंबले करे गया अरे दंबले हाँ लाजू गुट्टा तो इस पर गुट्टा लावा इस तो बढ़िया मेरी केटी पर गुट्टा दे दे तो ना इस पर गुट्टा टेक दे मेरे बालक मुक्के मर जावगे अच्छा हिप तेरे बालक मुक्के मर जाएंगे नंबरदार के छोरे अरे रिसाले तू टेक उठा ए रिसाले बचा ले बना ये बार आगे बना एक ही जाऊं मैं बाल करने लेकर पसवाने लेकर ये तू है देख लिया धर्म कर अरे रिसाले इन्हें पहले नहीं दिखा थी काम कर लिया ला ए भाई जी तू उठा कर दिया करूंगा गाड़ा ये बात सुन सरपंच साहब वो छोरे ने और क्या है के फार्म भरवा के उड़े की तरह नौकरी लगवा दिए मैं नौकरी लगवान के हक में हूँ अटवान के मैं नहीं अरीब गुठा ना टेकू अरे जब गुठा ना टेक तो क्यों मारे टेम की बाण के फेरे करण लाग रहा है हैं तेरे जैसे 100 रामदे से गुठा टेकनिया चाल भाई सरपंच और गुठे कर जाओ ढूंढ लो रिसाले 500 गुठे टेकवा दू सरपंच जा टेकवा लो इसकी गल रहेगा ना त्रीम सरपंची करवा देगा मेंटल से काले मुंह वाला ए रिसाले मेरा पंडा छुटवा दे मेरे बालक मुक्के भर जावेंगे
बात सुन भाई, पेंडा न्यू नहीं छोटिया करता, यो था सरपंच है और गांव की पावर में से डीसी एसपी सारे जानकार से। मेरे तो एक दिमाग में आओ से अकडकन भी कंप्यूटर दिमाग से, वा के मन के मैं राह बताओगी? बताओगी। हाँ चल उड़े चल लागे। चल 20 आदमिया के हो गए। अच्छा 10-20 और हो जाएंगे करवाऊंगा। हाँ अरे वो प्रकाश रे हमारा भाई। अरे भाई प्रकाश है। हाँ भाई कोले। हाय भाई। अरे के नोते देता हंड है तू? अरे नोते के मैं इस उम्र में सरपंच का ब्याह करवाऊंगा? या भाई थारी गाल टूट रही से, नो सोच रहे थे गाल ने बनवा दिया। भाई या तो टूटी पड़ी है, दिखे ना है। अरे या हमने तो दिखे से, पर अगले जो ऊपर अफसर बैठे से उन्हें तो ना देखती तो नो कर एक ऊपर गूठा टेक दी। हाँ। ले भाई ना ठीक हो गया। ठीक हो गया ये बाम जाना और मारा काम जा। हाँ ठीक है भाई गाल ने बनवा। हाँ गाल ने बनवा। हाँ बनगी तेरी गाल। चल अरे पहलवान है। अरे सह के। अरे कौन था भाई? कोला था और कौन था? हाँ कोले बोल भाई। क्या बोलू मैं नू कौन था? हाँ क्यों सरपंच नया नया बनिया से तन भी राम राम, राम पहलवान। पर भाई न्यू कहा थे आक यो सरपंच बनवाओ से पलशन। अच्छा और मान बोला भाई गांव में सब तो पहला पलशन पहलवान की होनी चाहिए। और तब भाई वैसे तो कुछ नहीं करना, जामा तेरी पलशन बनवा दू तो यो काम धर्म का पाप का या बात बता पा। काम कति धर्म का भाई? अरे के कहने लग रहा है कोले भाई? काम तो धर्म का से। अरे तू पलसन मेरी बनवाना लायक गया तो विधवाली बनवा दे ने। अरे तू के बदवा से विधवाली बनवा दे। अरे उसमें दो पैसे फालतू मिल जाएंगे। अरे वाह भी तेरी बनवा दूंगा पर ऐसी तो बनवा ली। तो नो कर। हाँ ये पहाड़ दस्तक कर ले भाई। हाँ अरे तेरे कहे तो तू जीत का मैं उड़ाई कर दू सुना। तू नू ला ले मैंने भीतर मेरे भाई के घर ने पलसन पहुंच जाएगी। चलो जी बहुत बढ़िया भाई। हाँ भाई इसने अच्छा जी सरपंच साहब। अच्छा आ ले भाई सर। चल बेरा ना घर न पाओगी की दुकान पे से फोजने। ए राजा की बेटी। ए फोजने के हो गया तावरे चाले क्यों रुके मारे है? ये होया कि सरपंच से ना उकाले मुंह वाले ने बेकार रखा से और इदम मलना हटाओ से इसकी जगह जाके ये मतलब होया। ना 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 पान पकड़े ऐसा है मारे ना कि तो सरपंच तू है। ओ मेरी नौकरी बचाना तेरे बाड़ा का मरूंगा। ना ना मेरे बाड़ा का मरूंगा। एक बड़े भरोसा डाल के फांसी खा जाएगा ना तो तू मेरी नौकरी बचा। क्या उल्टी ना सोचा करे? के करना है तावरे चाले? एक करना केस है। मैं तो उन्हें गांव का सरपंच भी ना मानता। गांव की सरपंच तो तू इसे। फिर मानो मन ते बना भी देते फेरे। ए बननिया की इतनी ना चाल्या करती जितनी तेरी चाल्या है। हम तो दुखी पाते तेरे दोराए सा कि मैं समाधान बता ना तो यो मरेगा री के बालक मरेंगे। सच में मर जाऊंगा। सरपंच तो कह रहा है जाके छोरे ने नौकरी लगवाऊंगा। चिंता मत करे समाधान करेगी के मैंने के मैं फौजने। फिर ताऊ उन एप्लीकेशन ला रखी से तो एप्लीकेशन तो जल भी सके से और गल भी सके से। फागण लाग रहा से और ऊपर ता आ गई होली। मारो साले के पानी का बाल्टा भर के चिट्ठी ते गली गली अंडेगी। देखा दम्बले मैं कहूं था फोजन का दिमाग कंप्यूटर ते भी तेज चल रहा है। एक काम करे भीतर ते बाल्टा ठा लिया और मार साले का पानी वो भी बेतांडर चिट्ठी भी। अरे साले जब इतना शान कर दिया तो यह शान भी तय कर दे। बाल्टी पानी की बार दे। मैं ठीक से था बाल्टी तो भर लिया होगा तू? हाँ भर लाऊंगा। जा भर लिया। देखे फौजन तन्ने एक आज गरीब आदमी की जिंदगी बचाई से भगवान तेरा भला करेगा और भला के करेगा तेरा तो भला हो रहा से। वो आलिया का लुगाई का और शान मिल जा। हाँ समझ ले डम्बल गया। अरे मेरे कहे तो या पत्थर पर हम लिखती चिंता मत कर अपने आप बेरा पट जाएगा ही न। अरे ओ तू हमारे माथे जरूर लागी हैं? भोजन तू नू कह रही थी अगर मेरी पलसन नहीं बनती। अरे वो सरपंच नू बोलिया। हाँ कोले
गांव में सब तो पहला पल्सन किसकी बने? मैनू बुला बुला भाई, पल्सन बना तो सब तो पहला इस गांव में भोजन की बने। अच्छा, और देखिए तेरा पल्सन का राह कर दिया, बिल्कुल कर दिया है? और तू इस पे सैन मार दे। हाँ, ना सैन नहीं, गुठा ला देगी। हाँ हाँ, चे गुठा ला दे। ना ना, एक मिनट। हाँ। मैंने कौन थी? हाँ। पिल्सन की तमा के रकद का आकरती तम नहीं ध्यान करे ऐसे इस बात का। ये भी काम ना कर दे तू। अरे मैं साइन कर दूंगी। ए तू टेक दे ना। मैं साइन कर दूंगी। क्यों दुखी हो रहा है खोले? मैं कहन लाग रही भाई दस्तक तो मेरा नहीं बोलेंगे। तेरा गुफा जरूर चखवा दूंगा। कर दिया खांड का पानी। अरे यू क्या करा रहे थे? अरे 100 आदमियों के साइन करा रखे थे, एप्लीकेशन गड़वा दी। अरे सरपंच साहब, आप अच्छे आदमी थे, मन्ने हिसाब लाया। अक सरपंच अपने दिमाग तो नहीं चल रहा, यो काले मुंह वाला से ना यो नाश करके छोड़ देगा। इन्हें सिखा ऐसे तू। अरे एक बात बता, एक बात आदमी ने हटाके और दूसरे ने लावे, अरे पेट पर लात नहीं मारनी चाहिए किसी के। गांव का सरपंच समझदारी वाले काम करया करें, गांव में एक का राख्या करें। अरे यो काले मुंह वाला तड़क्या दे तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर रहा। अरे गरीब आदमी ना हटाओ सो, एक न लवा कर दूसरे ना हटाओ सो। देखे यो अच्छा काम ना से। और रही बात इसकी भीजन की, परसों फाग से सरपंच साहब इसमें मारी गलती ला लो या प्यार ला लो, हमने ते घेर दिया पानी। रेसाले कत्ती सही कह है भाई, अगर मानस की किसी गल थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो भी जाना। हाँ। तो उसके पेट पर लात नहीं मारा, पीठ पर भले ही मार दे। हाँ। और भाई एक काम करी। हाँ। इसका तो पेट बच गया। हाँ। वो काली नाक के पाछे ना फोड़ दे। हाँ। गांव का भी भला हो जाएगा। सुनी सूख लिए तड़क्या के। आजा आजा आजा। अरे उड़े ना। हाँ बोल। एक बात बता। हाँ। मैं तड़के तेरे दौरे मूछ सेट करवाने गया था। हाँ। और तने सारा गम सेट करवा दिया मेरे दौरे। अरे सरपंच, अरे तो भी खैर हो गया। राम राम, राम, राम जी, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, स्टार इंडिया फिल्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। और हमारा पेज है, फेसबुक पेज है टाइम पास कॉमेडी के नाम से, और स्टार इंडिया फिल्म दोनों के नाम से, दोनों को फॉलो कर लें। और अगर हमारी कोई वीडियो रहती है तो उसको आप वहां जाके देख सकते हैं। और भाई आज आप लोगों के लिए हमने ये जो एपिसोड बनाया है वो छोटी सी शिक्षा दी है इन सब ने मिलकर, पूरी टीम ने मिलकर, डायरेक्टर साहब ने मिलकर, कि भाई आपस में बस कहा कि इन्होंने कि भाई किसी के पेट पलात बेशक मार दो, किसी के पीठ पलात बेशक मार दो, पेट पलात मत मारो। और जो आज यो मन ने काम करया आपस में लड़ान भेड़ान का, वो काम जीवन में आप कभी मत करो। और भाई हमारे साथी कलाकार, बहुत ही सीनियर उम्दा कलाकार बड़े भाई राजकुमार मान, वो आज आए हैं। और भाई इनका स्वागत, और भाई टाइम पास की टीम में बहुत बेहतरीन काम। और भाई कमेंट्स में बताइयो भाई का लुक बहुत स्मार्ट, भूतपूर्व नौजवान है भाई, है ना? और बिल्कुल इनके बारे में लिख रहे हैं और बहुत अच्छा काम किया है भाई। मैं स्टार इंडिया में पहली बार आया हूँ और इस टीम के साथ काम करके और गिल साहब के डायरेक्शन में काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। और पूरी की पूरी टीम काबिले तारीफ है। काफ़ी दिन से मैं सोचता था कि भाई क्या हम भी इसका हिस्सा बनेंगे। आज हमारे गिल साहब का आशीर्वाद हुआ और हम इसका हिस्सा बने। मेरा काम आप लोगों को कैसा लगा बताना जरूर। तोड़ पड़ रहा। और एक बात कहना चाहूँगा भाई, देखो इसमें एक छोटा सा हमने मुद्दा दिखाया कि सरपंच, और सरपंच गांव का मुखिया होता है एक किस्म का, न्यू लगा लो गांव का प्रधानमंत्री होता है। तो लोग चुन के और उसके विश्वास पे आके, उस पर विश्वास करके और उसको सरपंच पद का मुकाम दिया जाता है। तो किसी भी गांव में जिस तरह भाई पंच भी हों से और भी ठठेरे हों हैं कोल्ले के से जो बैक आते हैं, तो बैक आने के कारण ये सारा सिस्टम उड़ज पुड़ज होया। तो मारे इस एपिसोड में मन मेरा है हर गांव में देखा जाता है, तो गांव के सरपंच और मेंबर भी हमने देखते होंगे। तो सभी सरपंचों भाई से रिक्वेस्ट है कि वो गाँव में भाईचारा, प्रेम और सबकी गल्या
बना के रखे और बहुत अच्छी बात कही, हर किसी के पीठ पर लात मार दे, पेट पर नहीं, क्योंकि भगवान से ना उसके कैमरे हमेशा चालू रहे, हमारा तो एक बतैड़ के चालू हो सामने, तो भगवान से जो डरेगा वो गलत काम नहीं करेगा और भाईचारा और प्रेम बनाए रखना। और हाँ भाई, हैप्पी होली, होली यार ये सभी को हैप्पी होली स्टार इंडिया फिल्म की तरफ से। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगी कि बहुत ही गंदे, बहुत ही वाहियात कलर आ रखे हैं मार्केट में, हर्बल कलर को यूज करें और जितना हो सके पानी का यूज करें, पानी ज्यादा वेस्ट ना करें। लेकिन होली धुलंडी ये दो दिन आया कर हमारे खेलन के, इन पे सारे खेलो, इंजॉय करो अपनी फैमिली के ला, और हमारा एपिसोड किसा लग गया वो भी बताइयो। हैप्पी होली। अपनी जो नई ग्राम पंचायतें बनी है जी, उनके साथ मिलके गांव का विकास करो। हैप्पी होली। स्टार इंडिया परिवार की तरफ से हैप्पी होली।